अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सुबह का आगाज़ किया जाता है नमाज के साथ, और बेशक अल्लाह के कलाम के साथ शुरुआत की जाए तो दिल बहुत अच्छा गुजरता है। ये मेरा बेटा और मैं दुआएं कर रहे हैं ढेर सारी। फिर नाश्ते का टाइम आ गया और मैंने सोचा कि पूड़ियाँ खाई जाए, फिर मैंने कहा नहीं, बहुत मोटापा हो गया। हाँ जी, फिर मैंने मिक्स वेजिटेबल वाला ऑमलेट बना लिया, बड़ा मज़े का बन गया था। और ये मेरा फिटफिटा सुबह से मेरे साथ है, ये स्टूल से ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने कहा कहीं ऑयल ना गिर जाए, इसलिए मैंने इसको अंदर भेज दिया। और फिर ऑमलेट मैंने बना के अपनी वालदा को भी नाश्ता करवा दिया और ख़ुद भी किया। और नाश्ता सुबह का हेल्दी करना चाहिए, इससे सारा दिन अच्छा गुजरता है। और उसके बाद ना मेरा ध्यान ही नहीं गया और मेरे स्लाइस थोड़े से ब्राउन ज़्यादा हो गए जलने वाले। फिर मैंने उनको जल्दी से ऊपर से जला रिमूव किया। और हमारे नबी का फरमान है कि जली चीज़ को खाने से औलाद खूबसूरत होती है, और रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन सुना यही है। और फिर मैंने मीठी लस्सी बनाई सुबह का नाश्ता, और मीठी लस्सी, वाह भाई वाह। हाँ जी, चलो जी अब नाश्ता करते हैं, ठीक है, फिर हम मिलेंगे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, ठीक है। बड़ा मज़ा आ रहा है ऑमलेट के साथ ब्राउन ब्रेड, और हाय मेरा सेल्फी स्टिक ही हिल गई है, मेरा यानी ट्राईपॉड ही हिल गया, ऊपर से नीचे हो गया। खैर कोई बात नहीं, और लस्सी मीठी हो, सुबह सुबह का नाश्ता यमी, मज़ा आ जाता है। चलें फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, मेरे साथ बने रहिए। फिर जी दोपहर का टाइम आ गया तो मैं थोड़े भांडे छंडे धो लेते। अच्छा जी, उसके बाद बर्तन धोए तो मैंने सोचा क्या पकाऊँ, हम फीमेल्स को यही टेंशन रहती है क्या पकाया जाए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मटन निकाल लिया जाए। ये देखें मटन कितना साफ़ सुथरा है, ये हमारा स्पेशल मटन आता है समनाबाद से, वालिद साहब लाते हैं उधर से, और ये इतना साफ़ सुथरा होता है और बिल्कुल छोटा, ऐसे जैसे छोटी छोटी मुर्गी खा रहे हैं हम, तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा बनता है, ठीक है जी। तो फिर मैंने इसका सोचा छोटा सा थोड़ा सा कौरमा ही बना लिया जाए, तो फिर बस मैं उसी तैयारी में लग गई थी। तो साफ़ सुथरा करने के बाद मैं ये कोरमे की तरफ आ गई। पहले मैंने मसाला भून लिया जी, तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ। और इसकी रेसिपी मैंने इसलिए शो नहीं की क्योंकि आई नो दैट के सारों को कोरमे शोरमे तो पकाने आते हैं, फिर भी अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले मुझसे। और दूसरी बात, प्लीज़ हम न्यू यूट्यूबर के लिए आप लोग कमेंट किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, यह हमारी हौसला अफज़ाई होती है। तो अच्छा जी, तो जी हम अब ये मैं बना रही हूँ, ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल, और वाकई टेस्टफुल, बहुत ही टेस्टी बन गया था दोपहर में। फिर बच्चों ने हमने ये खाया पिया और बड़ा इन्जॉय किया, देखें। और ऊपर से सालन के ऊपर धनिया डाल दो ज़्यादा सारा, तो इसकी क्या बात होती है, ठीक है जी। तो देखें जी बन गया हमारा मटन मज़ेदार सा जी। अब मैं ट्यूशन बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ, मेरी छोटी बेटी मेरे साथ है फिटपिटी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पांच लड़के हैं और एक लड़की है, और जी ये मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। ट्यूशन छोड़ के आके मैंने थोड़ा सा जी खुशो शुसों के क्राफ्ट का काम किया, ये मैं ऑर्डर पे तैयार करती हूँ जी, ठीक है जी। मैं आपको ये क्राफ्ट की मतलब कि वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, इस पर भी काम चल रहा है। अभी मैं बच्चों को लेके घर को जा रही थी तो उन्होंने फरमाइश कर दी जी आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम तो फिर आपको पता है बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं जी। तो उसके बाद बच्चों को घर छोड़ के मेरी सिस्टर और मैं चल पड़े लिंक रोड, हम लोगों ने कहा कुछ बाहर से खा लेते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं जी फाइन पिज़्ज़ा पे। तो खुद गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और फाइन पिज़्ज़ा पे आ गए हैं जी, हम लोगों ने शॉर्मा प्लेटर मंगवाया, इनका काफ़ी कम हो गया मटेरियल शटीरियल, लेकिन हम लोग जो पाकिस्तानी वहाँ में लकीर दी फ़कीर है, हम खा ही लेते हैं, हमें चाहे बुरी चीज़ भी मिल जाए। और फिर घर वापस आई तो बच्चों की फरमाइश पे उनको रात को खाने में बर्गर बना दिए, ठीक है जी। आपको मेरा वीलॉग पसंद आया होगा डेली रूटीन का, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। रब रखा।